मैं हूं मेघा, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में, जहां लेकर हिंदी सिनेमा जगत के किसी सितारे की जिंदगी का सफर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। तो दोस्तों, स्टार लाइफ में आज हम आपसे बात करेंगे अभिनेता आयुब खान के बारे में। आयुब खान इस नाम से अब बहुत ज्यादा परिचित जाहिर सी बात है नहीं होंगे, तो चलिए इस नाम से आपका परिचय कराते हैं। जरा रुक कीजिए टीवी इंडस्ट्री की ओर और याद कीजिए सीरियल उतरन। कलर्स टीवी का सीरियल उतरन, जिसमें नजर आई थी आपको इच्छा और तपस्या की जोड़ी। इस सीरियल में तपस्या के पिता जोगी ठाकुर का किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था, वो अभिनेता हैं आयुब खान। अब जिक्र करते हैं कलर्स के ही सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की का। इस सीरियल में किन्नर सौम्या के पिता हरमिंदर का किरदार निभाने वाले अभिनेता हैं आयुब खान। आयुब ने बॉलीवुड की दुनिया में भी अपनी किस्मत को आजमाने की पूरी कोशिश की, मगर अफसोस उन्हें बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में एक हसीना थी उतरन, शक्ति जैसे सीरियल्स में अपने दमदार अभिनय के बलबूते उन्होंने अपनी कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है और एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। आयुब की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें हम आपको आज इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं उनका कितना खास रिश्ता बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ रहा है। आपको बता दें, आयुब कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार के अपने ही भतीजे हैं। ये बात आज भी इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों को मालूम तक नहीं है कि आयुब खान उसी महान अभिनेता के भतीजे हैं जिसने इंडस्ट्री में 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक फिल्मों में काम किया है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के भतीजे हैं तो फिल्मों में काम मिलना इनके लिए बेहद आसान होगा, एक से बढ़कर एक फिल्मों की लाइनें इनके सामने लगी रहती होंगी। लेकिन आयुब के केस में ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने जरूर आमिर खान और अजय देवगन जैसे अभिनेताओं के साथ स्क्रीन साझा की है, लेकिन फिल्में मिलना, काम करना उनके लिए आसान नहीं रहा। शायद इसी वजह से फिल्मी पर्दे पर वो कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में जब उन्होंने मेहनत की, अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया, तो कभी ना मिटने वाली छाप जरूर छोड़ दी। दिलीप कुमार के भतीजे आयुब खान का ये फिल्मी सफर कैसा रहा है, उनके सफरनामे पर डालेंगे एक नजर हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा, बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार ने 5 दशक से भी ज्यादा समय तक फिल्मों में काम किया है। 50 साल से ज्यादा लंबा का उनके करियर का ग्राफ रहा और इन सबके बीच दिलीप साहब इंडस्ट्री के सबसे दमदार एक्टर बने। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार के भतीजे के बारे में। आपको बता दें, आज की तारीख में दिलीप साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। करोड़ों दिल उनके लिए धड़कते हैं, लाखों हाथ उनके सजदे में हर सुबह उठते हैं और इन सबके बीच में दिलीप साहब को लेकर आए दिन सोशल मीडिया के जरिए कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं दिलीप साहब कि उनकी हालत आए दिन नासाज रहती है। डॉक्टर की एक टीम उनके साथ उनके घर पर रहती है और उनका ख्याल रखने के लिए हर वक्त दिलीप साहब के साथ उनकी बेगम सायरा बानो मौजूद होती हैं। आपको बता दें, दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान ने भी फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाया। दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म गंगा जमुना में दोनों रियल भाइनों ने ये किरदार निभाया। दिलीप कुमार जहां एक तरफ गंगा नाम के किरदार में थे, वहीं उनके भाई नासिर खान ने जमुना का रोल प्ले किया। दिलीप साहब की तरह ही उनके भाई नासिर खान को एक्टिंग का बेहद शौक था, मगर नासिर का करियर दिलीप साहब की तरह चमका नहीं। नासिर खान ने 2 शादियां की। उनकी दूसरी शादी उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस बेगम पारा से हुई।
बेगम पारा के साथ ही नासिर खान का एक बेटा हुआ जिनका नाम अयूब खान रखा गया। अयूब खान दिलीप साहब के भतीजे हैं। 23 फरवरी 1968 में मुंबई में अयूब का जन्म हुआ। अयूब ने एक्टिंग को अपने करियर के तौर पर चुना। आज इंडस्ट्री में आए उन्हें लगभग 3 दशक का समय हो चुका है। अपने इस करियर में, अपने इस सफर में अयूब खान ने कई सारी फिल्में की हैं, कई सारी टीवी सीरीज की हैं, मगर उनका करियर काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। फिल्मों में उन्हें ज़्यादा बड़े रोल्स करने को नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। कई सारे हिट सीरियल्स का वो हिस्सा बने। 1992 में मासूक फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अयूब, वो मेरी आन, स्मगलर, मृत्युदंड, दादागिरी और जाने जिगर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। आमिर खान की फिल्म मेला में उन्होंने छोटा सा किरदार निभाया। ये किरदार था ट्विंकल खन्ना के भाई का। इस छोटे से किरदार ने अयूब को बड़ी पहचान दिलाई। इसके अगले ही साल वो आमिर खान की एक और बड़ी फिल्म का हिस्सा बने। फिल्म का नाम था दिल चाहता है। इस फिल्म में उनका किरदार ज़रा नेगेटिव था, मगर इसमें भी लोगों ने उन्हें नोटिस किया। आमिर खान के अलावा अजय देवगन की भी फिल्म में अयूब खान नज़र आए हैं। कयामत, गंगाजल और LOC कारगिल जैसी फिल्मों का वो हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें, अयूब खान को भले ही फिल्मों में ज़्यादा बड़े रोल्स ना मिले हों, मगर टीवी की दुनिया में उन्हें काफ़ी फुटेज मिली है। टीवी की दुनिया में अयूब ने बेहतरीन काम किया है और कुछ ऐसे ऐसे किरदार निभाए हैं जिसके बलबूते उन्हें आज भी याद किया जाता है। कलर्स का सीरियल उतरंत तो आपको याद ही होगा। इस सीरियल में अयूब ने जोगी ठाकुर का किरदार निभाया। बेहद पॉजिटिव कैरेक्टर जिसे आज भी कोई नहीं भूला। शक्ति में हरक सिंह का नेगेटिव कैरेक्टर, एक हसीना थी में ग्रे कैरेक्टर, सजदा तेरे प्यार में, इंडिया कॉलिंग, साहेब बीवी गुलाम, मुस्कान, करिश्मा और कशिश जैसे सीरियल्स में अयूब ने जो किरदार निभाए हैं, जिस तरह की छाप उन्होंने इन सीरियल्स में छोड़ी है, टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने शानदार काम किया है और इसी काम की बदौलत अयूब ने नाम भी खूब कमाया है। वेल, अयूब खान को आज की तारीख में हर कोई जानता है, लेकिन वो दिलीप कुमार के भतीजे हैं, इस बात से ज़्यादातर लोग आज से पहले अनजान ही होंगे। अयूब खान ने अपने दम पर नाम कमाया, अपने दम पर पहचान बनाई और इसी के बलबूते दिलीप खान से अलग उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित किया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दिलीप कुमार जो हैं, उन्होंने सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर चाचा यहां पर कामयाब है तो भतीजा भी कामयाब हो। दिलीप साहब के भतीजे अयूब को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। 3 दशक से ज्यादा का उनका करियर रहा है, लेकिन काम उन्होंने बेहतरीन किया है। उनकी भी अपनी ऑडियंस है जो उन्हें ढेर सारा प्यार करती है। तो दोस्तों, आज के हमारे खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में बस इतना ही। अयूब खान के बारे में कुछ खास जानकारियां हमने आपको दी, दिलीप कुमार के साथ उनके खास रिश्ते के बारे में बताया, अजय देवगन के साथ उन्होंने 3 फिल्में की हैं, आमिर खान के साथ दिल चाहता है में नजर आए हैं और मेला पिक्चर में भी आपको बता ही दिया हमने आपको, ट्विंकल खन्ना के भाई का किरदार उन्होंने निभाया था। ये किरदार गुज्जर को मारने वाला आज भी हर किसी को याद है। सो गाइस, आज के लिए प्रोग्राम स्टार लाइफ में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।